एवरीवन, आज हम एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब फीमर बोन देखने जा रहे हैं। ये 15 मार्क के लिए पूछा जाता है। अभी तक हमने 15 मार्क के 2 बोन्स कंप्लीट किए, ह्यूमरस और हिप बोन। अभी हमारा थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट बोन है एग्ज़ाम के हिसाब से, ये है फीमर। सो हम देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ लॉन्गेस्ट बोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी प्लेस्ड इन थाई रीजन। ये बॉडी का एक लॉन्गेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है जो कि थाई रीजन में प्लेस रहता है। ये लॉन्ग बोन है, इसका टाइप लॉन्ग बोन है। अब इसका आर्टिकुलेशन देखते हैं, मतलब ये दूसरे कौन कौन से बोन्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहला है हिप बोन, फिर सेकेंड है टीबिया और थर्ड है पटेला। तो हिप बोन, टीबिया और पटेला, इन 3 बोन्स के साथ फीमर आर्टिकुलेशन शो करता है। अब हम देखेंगे इसका साइड डिटर्मिनेशन, मतलब अगर हम इसको अपने हाथ में पकड़ें तो ये कौन से हैंड का, ये हमको इजीली समझ में आएगा इससे। तो फर्स्ट साइड डिटर्मिनिंग फीचर है हेड डायरेक्टेड मेडियली फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जो फीमर का हेड है वो मेडियली, मतलब हमारे बॉडी एक्सिस के तरफ फॉरवर्ड और अपवर्ड प्लेस होना चाहिए। फिर शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, जो हम फीमर का शाफ्ट है वो आगे से कॉन्वेक्स है। लोअर एंड इज एक्सपांडेड टू फॉर्म 2 लार्ज कॉन्डाइल्स। जो फीमर का लोअर एंड है वो एक्सपांडेड है और ये 2 कॉन्डाइल्स को फॉर्म करता है। लास्ट साइड डिटरमाइनिंग फीचर है लीनिया एस्पेरा लाइज पोस्टीरियरली। जो लीनिया एस्पेरा है वो पोस्टीरियरली लाइक करता है। अब हम देखेंगे फीमर के पार्ट्स कौन कौन से, मतलब फीमर को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो फीमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। सबसे पहले देखते हैं अपर एंड। अपर एंड का फर्स्ट पार्ट है हेड, राउंडेड एंड डायरेक्टेड मेडियली अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। जो फीमर का अपर एंड है, उसका हेड है, ये राउंडेड है, डायरेक्टेड मेडियली अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन टू फॉर्म हिप जॉइंट। ये एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है हिप जॉइंट बनाने के लिए। बियर्स अ पीट नियर इट्स सेंटर कॉल्ड फोविया। यहाँ पे फोविया प्रेजेंट रहता है। फिर अपर एंड का सेकेंड पार्ट है नेक, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फीमर का नेक है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कनेक्ट्स हेड ऑफ फीमर विद शाफ्ट। ये क्या करता है, तो फीमर का जो हेड है उसको शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 125 डिग्री विद द शाफ्ट इन अडल्ट्स कॉल्ड द नेक शाफ्ट एंगल। ये शाफ्ट के साथ एक 125 डिग्री का एंगल बनाता है जिसको हम बोलेंगे नेक शाफ्ट एंगल। इसके बाद क्या है, एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अपर एंड लोअर एंड ऑफ फीमर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फेमोरल टोरिजन। इट इज़ अबाउट 15 डिग्री। जो एंगल ऑफ टोरिजन है, फेमोरल टोरिजन, ये कहाँ कहाँ पे, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, इन दोनों को मिला के एंगल ऑफ फेमोरल टोरिजन बनता है। यहाँ पे लगभग 15 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। अब जो नेक है ये 2 बॉर्डर्स बताती है और 2 सरफेसेस बताती है। तो बॉर्डर्स कौन कौन से, अपर बॉर्डर कॉनकेव एंड हॉरिजॉन्टल, लोअर बॉर्डर स्ट्रेट एंड ऑब्लिक। और 2 सरफेसेस कौन कौन से नेक के, तो एंटीरियर सरफेस फ्लैट एंड एंटायरली इंट्राकैप्सुलर और पोस्टीरियर सरफेस कॉन्वेक्स इन शेप। हम देखते हैं अपर एंड का थर्ड पार्ट, वो है ग्रेटर ट्रोकेंटर। फॉर्म्स लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोजेक्शन ऑन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। ये एक बहुत बड़ा क्वाड्रेंगुलर प्रोजेक्शन बनाता है लैटरल एस्पेक्ट पे अपर एंड के। इट हैज़ एन अपेक्स एंड 3 सरफेसेस। इसको एक अपेक्स रहता है और 3 सरफेस रहते हैं। तो हम देखते हैं सरफेसेस कौन कौन से, एंटीरियर सरफेस इन इट्स लैटरल पार्ट, रफ इन इट्स लैटरल पार्ट। जो एंटीरियर सरफेस है ये उसके लैटरल पार्ट में रफ रहता है। मेडियल सरफेस शोज डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा। जो मेडियल सरफेस है ये एक डीप ट्रोकेंट्रिक फोसा बताता है। थर्ड है इसका लैटरल सरफेस, क्रॉस बाय ऑब्लिक रिज डायरेक्ट डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। अब हम देखेंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर का मसल अटैचमेंट। यहाँ पे कुछ मसल्स का इंसर्शन है वो देखते हैं, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मेडियमस, पायरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस और ऑब्टुरेटर इंटरनस। ये 5 मसल का यहाँ पे इंसर्शन है। अब हम देखेंगे लेसर ट्रोकेंटर, कॉनिकल प्रोजेक्शन अटैच टू शार्प where the lower border of neck meets the shaft or directed medially and backwards। जो lesser trochanter है वो medially और backward directed रहता है। अब यहाँ पे कुछ muscles का insertion है वो देखते हैं, psoas major, iliacus,
पेक्टिनियस, क्वाड्रेटस, फेमोरिस, ग्लूटियस मैक्सिमस, एबडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस। ये नो मसल का यहाँ पे इंसर्शन है, यहाँ इसमें से तीन भी याद रही तो भी बहुत हो जाएगा। अब इसका अपर एंड का फिफ्थ पार्ट है इंटर ट्रोकेंटिक लाइन। जस्ट बिलो नेक इंटर ट्रोकेंटिक लाइन बिकम्स कंटिन्यूस विद स्पायरल लाइन विच रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स अक्रॉस द मेडियल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट टू रीच इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट। और अगला हमारा अपर एंड का सिक्स्थ पार्ट है इंट्रा ट्रोकेंटिक क्रेस्ट। पोस्टीरियरली जंक्शन ऑफ नेक विथ शाफ्ट इज मार्क बाय स्मूथ एंड राउंडेड रिज कॉल इंट्रा ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। द राउंडेड एलिवेशन प्रेजेंट नियर इट्स मिडल इज कॉल्ड क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्टस लैटरलिस और वेस्टस मीडियलिस, ये दो मसल का ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारा अपर एंड ऑफ फीमर ये ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे शाफ्ट ऑफ फीमर। सिलेंड्रिकल इन शेप एंड डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड मेडियल। ये जो शाफ्ट है ये सिलेंड्रिकल है और ये डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड और मेडियल है। इट हैज़ फॉरवेक्स कॉन्वेक्सिटी। हमने पहले भी देखा कि जो शाफ्ट है उसका फॉरवर्ड पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू, अब इसको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है वो अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है मेडियल 1/3। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसिस। अब पहले सबसे पहले हम बॉर्डर्स देखेंगे। मेडियल बॉर्डर राउंडेड एंड इल डिफाइंड, लैटरल बॉर्डर राउंडेड एंड इल डिफाइंड एंड पोस्टीरियर बॉर्डर मार्क बाय रफ वर्टिकल रिज कॉल लीनिया एस्पेरा। अब हम मेडियल 1/3 पार्ट के सर्फेसिस देखते हैं। एंटीरियर सर्फेस स्मूथ, मेडियल सर्फेस डायरेक्टेड पोस्टीरियो मेडियली एंड लैटरल सर्फेस डायरेक्टेड पोस्टीरियो लैटरली। अब हम देखते हैं शाफ्ट का अपर 1/3। अभी हमने देखा मेडियल 1/3, अब हम देखेंगे अपर 1/3। इट हैज़ 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसिस। यहाँ पे 4 बॉर्डर 4 सर्फेसिस है, वो कौन से देखते हैं। सबसे पहले बॉर्डर्स देखेंगे। फर्स्ट मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, स्पायरल बॉर्डर, लैटरल लीप ऑफ ल्यूटियल ट्यूबरोसिटी। अब इसके सर्फेसिस कौन कौन से, एंटीरियर सर्फेस, मीडियल सर्फेस, लैटरल सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सर्फेस शोज अ ब्रॉड रफ रिज ऑन लैटरल पार्ट कॉल्ड ल्यूटियल ट्यूबरोसिटी। जो पोस्टीरियर सर्फेस है ये अपने लैटरल पार्ट पे एक रफ रिज फॉर्म करता है जिसको हम बोलेंगे ल्यूटियल ट्यूबरोसिटी। अब हम देखते हैं शाफ्ट का लोअर 1/3। इट हैज़ 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसिस। यहाँ पे 4 बॉर्डर और 4 सर्फेस है। फर्स्ट है मेडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। और सर्फेसिस कौन कौन से इसके, एंटीरियर सर्फेस, मीडियल सर्फेस, लैटरल सर्फेस और पॉपलिटियल सर्फेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे लोअर एंड ऑफ शाफ्ट। लोअर एंड इज़ वाइड एंड एक्सपांडेड। अब यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट है लैटरल कॉन्डाइल, फ्लैट, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्गर। फिर मोर इन लाइन विद शाफ्ट, ये जो पार्ट है ये शाफ्ट के बहुत मतलब शाफ्ट के लाइन में आता है। लेस प्रोमिनेंट दैन मेडियल कॉन्डाइल, ये इतना इजीली हमको नहीं दिखता जितना मेडियल कॉन्डाइल दिखता है। ऑन इट्स लैटरल एस्पेक्ट इट शोज लैटरल एपिकॉन्डाइल, पॉपलिटियल ग्रूव, मस्कुलर इम्प्रेशन, पोस्टेरो सुपीरियर टू लैटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, अब यहाँ पे गैस्ट्रो सिनेमिस, पॉपलिटियस और प्लांटेरियस मसल्स का ओरिजिन है। अब हम देखेंगे मेडियल कॉन्डाइल। इट इज़ कॉन्वेक्स एंड लाइज मीडियली, मोस्ट प्रोमिनेंट। इट शोज मेडियल एपिकॉन्डाइल, एडक्टर ट्यूबरकल, एपिफाइसियल लाइन फॉर लोअर एंड ऑफ फीमर पासेस थ्रू इट। जो एडक्टर ट्यूबरकल है यहाँ से एपिफाइसियल लाइन पास होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा, सेपरेट्स लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टू कॉन्डाइल्स। ये इंटरकॉन्डाइलर फोसा जो है ये लैटरल और मेडियल कॉन्डाइल को सेपरेट करता है। अब हम देखते हैं इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन से। तो फर्स्ट है पटेलार सर्फेस कवर्स एंटीरियर सर्फेस ऑफ बोथ कॉन्डाइल्स एंड एक्सटेंड्स मोर ऑन लैटरल कॉन्डाइल दैन मीडियल कॉन्डाइल। और सेकेंड है टीबियल सर्फेस कवर्स पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेस ऑफ बोथ कॉन्डाइल्स एंड मर्जेस एंटीरियरली विद पटेलर सर्फेस। ठीक है, अब हम देखते हैं फीमर का डायग्राम कैसा है, फीमर दिखता कैसा है, पार्ट्स देखते हैं हम फीमर के। ये है हमारा फीमर का हेड, ये हुई हमारी फीमर की नेक, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये यहाँ पे ये जो ये लेसर ट्रोकेंटर।
ये हमारा हुआ शाफ्ट रीजन, ये था हमारा अपर एंड, ये शाफ्ट, और ये है लोअर एंड, ये है हमारा लेटरल कॉन्डाइल, मेडियल कॉन्डाइल, और ये है पटेलार लीजन, ये एपिफाइसियल लाइन। ठीक है, आई होप डायग्राम क्लियर हो गया होगा फीमर का। अब हम यहाँ पे देखते हैं मसल अटैचमेंट फीमर की। ये पायरीफॉर्मिस, ग्लूटियस मिनिमस, वेस्टस लैटरलिस, वेस्टस मीडियल, सोआस मेजर, ये यहाँ पे लेसेट्रोकैंटर में, फिर वेस्टस इंटरमीडियस शाफ्ट पे, उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनर्स, फिर ग्लूटियस मीडियस, क्वाड्रेटर फेमोरिस, ये इस जगह पे है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके बाद ये यहाँ पे सोआस मेजर, इलियाकस, पेक्टिनस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, वेस्टस मीडियस, बाइसेप्स फेमोरिस, उसके बाद एडक्टर मैग्नस। ठीक है, ये इसमें से अगर आदि भी मसल ध्यान में, मसल अटैचमेंट ध्यान में रहे तो भी हमारे लिए बहुत हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ फीमर। तो सेकेंड लॉन्ग बोन टू ऑसिफाई, फीमर इज द सेकेंड लॉन्ग बोन टू ऑसिफाई। इट हैज़ वन प्राइमरी एंड फोर सेकेंडरी सेंटर्स। जो फीमर है इसको एक प्राइमरी और चार सेकेंडरी सेंटर्स हैं। अब प्राइमरी सेंटर अपीयर्स इन शाफ्ट ड्यूरिंग सेवेंथ वीक ऑफ इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट। जब बेबी का इंट्रायूटराइन डेवलपमेंट होता है तब सेवेंथ वीक में प्राइमरी सेंटर ऑफ शाफ्ट अपीयर होता है, और जो सेकेंडरी सेंटर है अपीयर्स एट द एंड ऑफ नाइन्थ मंथ ऑफ डेवलपमेंट एंड फ्यूजेस विद शाफ्ट बिटवीन 16th to 18th ईयर। जो फीमर का सेकेंडरी सेंटर है वो नाइन्थ मंथ में डेवलप होना स्टार्ट होता है, और इसका कंप्लीट ऑसिफिकेशन 16 to 18 ईयर का जब तक बच्चा होता है तब तक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो इसका एक ही मेन क्लिनिकल एस्पेक्ट है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, जो कि जो हेड है फीमर का वो एसिटाबुलम कैविटी से डिसलोकेट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर ऑफ फीमर। आई होप ये आपको पूरा फीमर बोन समझ गया होगा। इसके जो नोट्स का PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आपको जब भी पढ़ना रहेगा तब आप इजीली पढ़ सकोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको जो भी डाउट्स होंगे या नए टॉपिक्स जो भी आप सीखना चाहते हैं उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि आगे आने वाले इसमें मैं वो आपके बताए हुए टॉपिक्स को क्लियर कर सकूँ। Thank you.